हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अजमल शेख और आप देख रहे हैं अरेंज ऑल। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे बताया था कि कतर का वीज़ा लगना कुछ दिन बाद यानी सितंबर के कुछ 23 तारीख तक बंद हो जाएगा, तो सितंबर का महीना जो है वो चल रहा है और वीज़ा लगने का जैसा कि मैंने बताया था वीज़ा नहीं लगेगा, तो अभी वो बंद हो गया है। तो कहना दोस्तों बस आप लोगों से ये था कि अगर आप किसी भी कंट्री के लिए या कतर के लिए ट्राई कर रहे हैं, कतर के लिए जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर अपने लॉन्ग जॉब की ढूंढ रहे हैं कतर के लिए, तो कतर में लॉन्ग जॉब अभी आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नहीं मिलेगा। आप कतर के लिए ट्राई करना छोड़ दें अगर नया है तो। अगर किसी वजह से आपका मेडिकल हो चुका है और मेडिकल पेंडिंग दिखा रहा है या फिर मेडिकल हो चुका है लेकिन वीज़ा नहीं आ रहा, उसका कारण यही है कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारा जो है मेडिकल हो गया है लेकिन अभी तक वीज़ा लगा नहीं है, ये रिपोर्ट पेंडिंग दिखा रहा है, तो क्या कारण है या क्या हो गया जो वीज़ा नहीं लग पा रहा है। तो उसका सीधा एक ही जवाब है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से बता दिया था कि वीज़ा लगना बंद हो जाएगा, तो अभी वही हाल अभी है, वीज़ा नहीं लग रहा है और वीज़ा न लगने की वजह से आप लोगों को ये परेशानी झेलना पड़ रहा है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों वीज़ा अब लगेगा ही नहीं, दिसंबर तक तो लगभग आपका वीज़ा लगना मुश्किल है। तो जो भी लोग कतर के लिए लॉन्ग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो लॉन्ग जॉब के लिए ट्राई करना बंद कर दें, यानी कि आप जो है इंटरव्यू देना बंद कर दें। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आना चाह रहे हैं, जैसे कि सेल का या कतर गैस का शटडाउन वगैरह चलता रहता है और शायद चलने वाला ही है, तो उसके लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं या फिर उसके लिए अगर आप आना चाह रहे हैं तो फिर आप आ सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप लोग कोई भी कोशिश कर रहे हैं किसी का भी, मेरा खुद का वीज़ा लॉन्ग जॉब का नहीं लगा है, हालांकि मैं जुलाई को आया था, 28 जुलाई को, तो फिर भी मेरा वीज़ा लॉन्ग जॉब का नहीं लगा है। मेरा वीज़ा मल्टी वीज़ा लगा दिया गया है, वर्क वीज़ा नहीं लगा है, और कई ऐसे और भी लोग आए थे जिसका मल्टी वीज़ा लगा हुआ था, तो पता नहीं मेरा भी लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन अभी फ़िलहाल तो अब तो लगना मुश्किल है, अब लगने की चांसेस बिल्कुल भी ना के बराबर हो गया है। शट डाउन अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो बिल्कुल आइए, कोई मसला नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आंसर यही होगा कि आप लोग ट्राई ना कीजिए। लॉन्ग टर्म में अगर ट्राई करना है आप लोगों को या फिर लॉन्ग टर्म में आपको जाना ही है तो फिर आप लोग किसी और कंट्री के लिए देख सकते हैं। अगर मैं अपने बारे अगर मैं अपना रिकमेंडेशन दूँ आपको कहाँ जाना चाहिए, तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप लोग जो है सऊदी अरबिया के लिए ट्राई कीजिए। सऊदी अरबिया में अभी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जॉब वहाँ पर है, काम है और नए नए काम खुल भी रहा है, तो वहाँ अगर ट्राई कीजिए। अगर किसी को सऊदी अरब से प्रॉब्लम है किसी और कंट्री में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो सऊदी अरब ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सऊदी अरब में अभी जॉब वगैरह है। अगर कतर के लिए अगर आपको आना है तो फिर फिलहाल अभी शटडाउन में आ जाइए और आके कुछ महीना काम कर लीजिए, उसके बाद जनवरी से फिर ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह कतर के लिए हो जाएगा। अभी फ़िलहाल जो है लॉन्ग जॉब तो नहीं हो पाएगा, शटडाउन के लिए ट्राई कर सकते हैं आप लोग, और सऊदी अरबिया ट्राई कीजिए। सऊदी अरबिया अगर आपको नहीं जाना है तो फिर ओमान वगैरह देख सकते हैं। तो ये अपडेट था अभी का कि कतर वीज़ा नहीं लगा रही है और अभी फ़िलहाल कुछ दिन तो नहीं लगेगी, और किसी का पेंडिंग है तो क्यों पेंडिंग है, उसका सीधा कारण है कि कतर गवर्नमेंट वीज़ा देना बंद कर दिया है, हद तक कि किसी भी मैं सुन रहा हूँ कि अभी बंद कर दिया है मेडिकल करना। तो ऐसे में बात यही है कि कतर के लिए अपना वक्त ज़ाया ना करें। किसी का अगर पासपोर्ट फंसा हुआ है, लगा रखा था, नहीं लग पा रहा वीज़ा, अपना पासपोर्ट वगैरह भी निकाल लें, क्योंकि कारण ही है कि आपका वक्त ज़ाया हो जाएगा मुड़ का। तो दोस्तों यही था अपडेट आज का कि अगर आप लोग अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है सऊदी अरबिया से तो सऊदी अरबिया ज़रूर जाए, नया अपॉर्चुनिटी है, अच्छा है, अवसर भी है, लॉन्ग टर्म जॉब भी है, और बिल्कुल समझ बूझ के किसी कंपनी में आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ कुछ ना कुछ बुराइयाँ होती है। सऊदी अरबिया कहीं कुछ स्ट्रिक्ट माना जाता है, कई लोग उसको नहीं जाना चाहते हैं, तो इतना स्ट्रिक्ट कुछ है नहीं वहाँ पे। मैं खुद पर्सनली जाना चाहता हूँ सऊदी अरबिया, लेकिन मेरा वीज़ा लगता ही नहीं है और कभी मौका नहीं मिला, तो अगर लेकिन मुझे मौका मिलेगा सऊदी अरबिया जाने का, मेरा भी एक बार ख्वाहिश है, जाऊँगा इंशाल्लाह, अभी तक तो नहीं गया हूँ। और तो कतर के लिए अपना वक्त ज़ाया ना करें, बस यही एट द एंड कहूँगा कि कतर में अपना टाइम ख़राब ना करें। कतर वीज़ा लगना अभी बंद हो गया है, और अगर आपके पास में वक्त है तो अपना वक्त को जो है सही जगह पर इस्तेमाल कीजिए,
और कतर के लिए ट्राई अभी ना कीजिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग प्लान कर रहे हैं। ट्राई करना है तो फिर आप सऊदी अरबिया, ओमान या दूसरे किसी कंट्री में आप ट्राई कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी बहुत टाइम बाकी है, 4 महीना अभी तो समझ लो कि अभी समझ लीजिए कि दिसंबर तक तो वीज़ा लगने का चांसेस नहीं है। जनवरी से फिर से काम वगैरह शुरू हो जाएगा लगना, लेकिन जनवरी में अभी बहुत टाइम बाकी है, तीन चार महीने अपने ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पासपोर्ट कहीं पर दे रखे हैं और काफ़ी टाइम हो गया है तो पासपोर्ट आप ले लीजिए, किसी और जैसे जगह पर लगाइए, क्योंकि किसी का झांसा देता है या इंटरव्यू के लिए वो बोलता है, चक्कर मत पड़िए, क्योंकि कोई भी ऑफिस वाला सिर्फ अपना पैसे बैठने के लिए बनाने के लिए बस आप पीछे रहेगा वो, और वीज़ा लगने का चांसेस बिल्कुल नहीं है। हाँ, मल्टी वीज़ा वगैरह शायद लग जाए तो लग जाए, कोई किसी का पुराना कंपनी है वो बुला रहा है तो अलग बात है, वो लगा सकता है बाद में, लेकिन नया आप फ्रेश ट्राई कर रहे हैं तो फ्रेश में आप मत फंसिएगा, क्योंकि वीज़ा लॉन्ग टर्म लगने वाला है नहीं, शॉर्ट टर्म में वीज़ा लगाएगा और उसके बाद फिर भेज देगा आपको, तो वक्त तो ज़ाया होगा और ऑफिस वाला अपना चार्ज ले ही लेगा, तो जो भी चार्ज रहेगा उसका। फ्री में भेजना तो कोई मुश्किल नहीं है, आप आ सकते हैं, और अगर हाई पे कर अगर आ रहे हैं किसी के ऑफिस को तो फिर आप मत लगाइएगा। और दूसरी कंट्री जैसे सऊदी अरबिया, मैंने बताया सऊदी अरबिया में ट्राई कीजिए, अभी अच्छा ऑफर भी है, अच्छा ऑफर भी है और सैलरी अगर अच्छा मिल जाएगा। कतर का भी जो है अभी हालात वैसे ही है कि वीज़ा लगने का काफ़ी कंपनी है काम है, लेकिन वीज़ा गवर्नमेंट लगाना बंद कर दिया है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो है पूरी तैयारी अब जोर शोर से हो गई है, और प्लान भी कर दिया था कि सितंबर से वीज़ा लगना बंद हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो लोग वीज़ा लगाना बंद भी कर दिया है। तो यही अपडेट है, और जो लोग नए हैं दोस्तों वो लोग अपना इस वीडियो को देखने के बाद में आप इस चीज़ से बचें, कतर से बचें, दूसरे कंट्री में ट्राई करें, फिर भी किसी को लगता है कि ट्राई करना चाहिए तो फिर आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि फ्यूचर में जो आप लोगों को नहीं करना चाहिए उससे बताऊं, या फिर कुछ करना चाहिए तो उसके बारे में बताऊं। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी फ़िलहाल इतना ही, कुछ नया अपडेट होगा या कुछ भी नया चीज़ होगा ज़रूर आपको मैं बताऊँगा और नेट पर सब में हाजिर रहूँगा। फिलहाल तो मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।